Hello students, I am Pradeep Singh, your political science teacher, and in this video we will discuss some of the important questions of your class plus 2 political science. All these questions are according to the new syllabus 2020-21. According jitne bhi important question bante hain sab hum karenge. As you know that we have started the MCQ series and this is the second part. First part I already uploaded in this YouTube channel, Political Science by Pradeep Sir. This is the name of the YouTube channel. Let's start. Your first question is, how many colors contain in the Asian flag? Students, side by side I will try to explain all the terms which help you to understand the concept more clearly. The full form of the Asian is, जिन बच्चों को नहीं पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एशिया के साउथ के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट में, ठीक है, उन सभी ने मिलकर ये एक ग्रुप बनाया था एशियन, ठीक है। अगर मैं इनकी फॉर्मेशन की बात करूं तो फर्स्टली फाइव कंट्रीज थी साउथ ईस्ट की जिन्होंने मिलकर बनाया था, फाइव कंट्रीज, ठीक है। एंड कब बनाया था, दैट इज ऑन अगस्त, 8th अगस्त 1967 में, 8th अगस्त 1967 में एक एशियन ग्रुप बनाया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन के फ्लैग की। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस एशियन, यस, हाउ मेनी कलर्स कंटेन इन द एशियन फ्लैग। ये ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर वन, वन कलर, टू कलर, थ्री कलर एंड फोर कलर, एंड द करेक्ट आंसर इज फोर कलर। एशियन के फ्लैग के अंदर फोर कलर्स हैं। इफ यू सी दिस फ्लैग, दिस इज द फ्लैग ऑफ एशियन, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, दिस वन व्हाइट कलर, रेड कलर एंड येलो कलर, ब्लू, व्हाइट, रेड एंड येलो। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू जो आपको डाटा बता रहा हूं इसके अंदर से ही एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे कि ब्लू कलर की बात करें, देन ब्लू कलर रिप्रेजेंट द पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी। इफ आई टॉक अबाउट दिस रेड कलर, इट डिपिक्ट्स कर्ज एंड डायनामिज्म, डायनामिज्म। अगर डायनामिज्म की बात करूं, ये मीनिंग पूछ लेते हैं वो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग, राइट डाउन साइड बाय साइड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डायनेमिक एंड the quality of being dynamic and positive in attitude, ठीक है, attitude, the quality of being dynamic and positive in attitude, this is the meaning of dynamism। अगर white color की बात करूं, जो ये बीच में white color है, it show the purity, एंड येलो कलर सिंबलाइज द प्रोस्पेरिटी, जिसको हम हिंदी के अंदर खुशहाली बोल देते हैं, ठीक है। ये फोर पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है दीज फोर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज एस्टेब्लिश, इन विच ईयर द काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज एस्टेब्लिश। ये ऑप्शन आर 1950, 1949, 1951 and 1948 and your correct answer is 1949. Next question, how many members are there in EU? EU के अंदर कितने members हैं? Student, the correct answer is
ऑप्शन बी 27। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ऐसे है कि आपके नेट के ऊपर बुक्स के ऊपर भी पहले 28 मेंबर्स थे, उसके बाद ब्रिटेन के जाने के बाद ब्रिटेन ने 2020 के अंदर अपने आप को एग्जिट किया है। आफ्टर दैट नाउ वी एट प्रेजेंट वी हैव 27 मेंबर्स। ये साथ साथ स्टूडेंट्स आपको ये मैप भी देखना पड़ेगा बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर मैप क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम टाइम द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस टॉपिक। 2-3 टॉपिक्स यू हैव, मोस्टली द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। हियर दिस इज द फुल मैप ऑफ दिस वन यूरोप एंड द जो कंट्री के ऊपर रेड कलर है, दिस वन ऑल आर द मेंबर ऑफ ईयू एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नॉट अ मेंबर ऑफ ईयू। ये यूरोप का पार्ट तो है पर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ग्रीस ज्वाइन द ईयू, व्हेन वाज द ग्रीस ज्वाइन द ईयू। योर करेक्ट आंसर इज जनवरी 1981। ये देखिए स्टूडेंट्स ये मैप है, ऑल द रेड कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ ईयू एंड दिस इज द ग्रीस, दिस साइड यू कैन मेंशन सी हियर ग्रीस मैप के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है आपने। When were Spain and Portugal join EU? When were Spain and Portugal join EU? Your correct answer is January 1986. ये यहां मैप और ये नीचे देखिए this side, पुर्तगाल and Spain. जो पुर्तगाल that is on the left side. एंड स्पेन इज ऑन द राइट साइड, यहां से आपको पता लग जाएगा, आपको इसी तरह का मैप मिलेगा वर्ल्ड मैप और उसके अंदर आपने बताना है ये पुर्तगाल एंड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ईयू वॉज एस्टैब्लिश, इन विच ईयर ईयू वॉज एस्टैब्लिश। योर करेक्ट आंसर इज 1992। स्टूडेंट्स कई जगह पे आपको 1992 और 1993 भी मिल जाएगा, ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। 1992 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि स्पेन एंड पुर्तगाल ज्वाइन द ईयू एट जनवरी 1986 और ग्रीस की बात करें तो 1981 के अंदर ज्वाइन हो गया था। अगर हम ईयू के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें दैट इज 1982, हाउ इज इट पॉसिबल? स्टूडेंट्स हुआ क्या था, एक्चुअली 1951 के अंदर जो मेन सिक्स कंट्रीज थी, मैं उनके नाम बता देता हूं आपको, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी एंड लक्समबर्ग। ये बड़ा सिक्स कंट्री थी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी एंड लक्समबर्ग। ये सिक्स कंट्री से मिलके एक ग्रुप बनाया था 1951 के अंदर, ठीक है। ये ग्रुप का जैसे कि आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, यूएसए ब्लॉक वन, यूएसएसआर ब्लॉक टू। एक था नैम वाले जिन्होंने दोनों के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक था ईयू जिसके अंदर ब्रिटेन वगैरह भी थे, तो इन्होंने इनडायरेक्टली हेल्प की थी यूएसए की, पर एक सेपरेट ग्रुप था, ठीक है। इनको कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट नहीं की थी, ज्वाइन होती गई डे बाय डे कंट्रीज। 81 के अंदर ग्रीस ज्वाइन हुई, उसके बाद पुर्तगाल, स्पेन ज्वाइन हुई, इस तरह से काफी ज्यादा 5 से लेकर 27 28 तक हो गई थी, ठीक है। लेकिन इनको जो पर्टिकुलर ऑफिशियली फॉर्मेशन हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, दैट इज इन द ईयर
1992 के अंदर हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयू, ईयू फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ये अगर मैं मैप की बात करूं तो ये इसका मैप है, बीच में स्टार्स हैं, ब्लू कलर का मैप है, येलो कलर के स्टार्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज चाइना गॉट इंडिपेंडेंस, व्हेन वाज चाइना गॉट इंडिपेंडेंस, ये ऑप्शंस आर 1947, 48, 49 एंड 1950। स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर की बात करें तो 1949 के अंदर चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ये आपने याद रखना है, बहुत इजी है, 1947 के अंदर सभी को पता है, ठीक है। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, क्योंकि ऑल दिस कंट्रीज आर नियर बाय इंडिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी साउथ एशियन चैप्टर भी है इस सिलेबस के अंदर, ठीक है। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 के अंदर। अगर मैं बात करूं चाइना की, 1949 के अंदर चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी, याद रखना है, इंडिया 1947, श्रीलंका 1948 एंड चाइना 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द ईयू हेल्ड, ठीक है, ईयू के इलेक्शन जो होने स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे, वो था ऑप्शन नंबर बी, जून 1979 के अंदर, 1979 के अंदर ईयू के डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग, इस पॉइंट को याद रखना बेटा, मोस्टली बच्चे कंफ्यूजन खाते हैं, पॉइंट्स आते हैं, दे फील दैट के दिस इज पॉइंट इज रिलेटेड विद द ईयू और सोवियत यूनियन, उनको करेक्ट कर देते हैं, तो आपने ध्यान रखना है, इज शो द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एंजॉय इकोनॉमिक फ्रीडम, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज प्लैंड। तो स्टूडेंट्स इसमें से अगर हम बात करें, सोवियत इकोनॉमी के अंदर आइडियोलॉजी डोमिनेट करती है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं तो एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, तो यह भी पॉइंट ठीक है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज प्लैंड, सब कुछ प्लैंड होता है, ठीक है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होता, एवरीथिंग इज अंडर द स्टेट एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज प्लैंड, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन, तो आपने ये बाकी के तीन पॉइंट लिख देने हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, बट ये क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, देन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सोवियत इकोनॉमी के अंदर लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होती है, चाहे हम फार्मर की बात कर लें, चाहे जिस किसी की बात कर लें, ऑल द पीपल गेट द सैलरी फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, सारे जितनी भी यहां पे प्रोडक्शन होती है ऑल आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द वेजेस टू ऑल द पीपल, ठीक है, उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होती है। तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया, मींस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड यूरो द न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन और ऑफ, यू कैन से दैट ईयू, यूरोपियन यूनियन की जो यूरो है, दिस इज द करेंसी ऑफ द कॉमन करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, द राइट आंसर इज जनवरी 2002 के अंदर, जो स्टूडेंट ईयू की है दैट इज यूरो। अगर मैं बात करूं रशिया की, रूबल RUBLE, इफ आई टॉक अबाउट द यूएसए देन यूएसए डॉलर, ठीक है, अगर मैं बात करूं चाइना करेंसी की देन दैट इज युआन,
युआन, YUAN, ठीक है। दिस इज द करेंसी ऑफ चाइना, ये चाहो आपने अच्छी तरह से कर लेना। इंडिया की तो पता ही है आपको, EU की यूरो, रशिया की रूबल, USA की US डॉलर, चाइना की युआन, ठीक है। ये आपकी करेंसीज है। अगर हम बात करें यूरो की, यूरो EU की कब इंट्रोड्यूस की गई थी, आंसर इज जनवरी 2002 के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड विद एनी क्वेश्चन, माय नंबर इज 9592010293। यू कैन सेंड मैसेज टू मी थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू वेन एवर आई विल गेट टाइम, आई विल सेंड मैसेज टू यू, रिप्लाई टू यू। और आप इसके कमेंट के अंदर भी अपने क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर आप अच्छी लगती है, यू कैन लाइक दिस वीडियो, दैट इज फॉर द मोटिवेशनल फॉर मी, ठीक है। बेल आइकन आएगा, जब सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए, मुझे आपको लिंक सेंड करना पड़े। थैंक यू।